छत्तीसगढ़ बंगाली मित्र समाज द्वारा 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर रिले दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। रिले दौड़ का शुभारंभ वार्ड 39 सुभाष नगर से किया जाएगा। विभिन्न स्थानों से गुजरती दौड़ का समापन प्रियदर्शनी नगर नेताजी सुभाष उद्यान में होगा। छत्तीसगढ़ बंगाली मित्र समाज द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 23 जनवरी को रिले दौड़ का आयोजन वार्ड 39 सुभाष नगर से किया जा रहा है, जिसका समापन नेताजी सुभाष उद्यान प्रियदर्शनी नगर में होगा। इसके पूर्व शनिवार को समाज के सदस्यों द्वारा नेताजी सुभाष उद्यान में वृहद रूप से साफ सफाई अभियान चलाया गया। पूरे परिसर की झाड़ू से सफाई कर कूड़ा करकट डिस्पोजल पानी पाउच को परिसर से बाहर फेंका गया। लंबे वक्त से सफाई नहीं होने से उद्यान में कचरे का अंबार लगा हुआ था। आयोजन की जानकारी छत्तीसगढ़ बंगाली मित्र समाज के प्रदेश अध्यक्ष सुमन शील ने दी। छत्तीसगढ़ बंगाली मित्र समाज के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती बड़े धूमधाम से मनाती है और नेताजी के जयंती जो कि 23 जनवरी को होता है, उस दिन राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की मांग को लेकर विगत कई सालों से छत्तीसगढ़ बंगाली मित्र समाज के द्वारा आंदोलन किया जाता रहा है। इस साल भी उसी मांग को लेकर एक रिले दौड़ प्रारंभ किया जा रहा है। यह रिले दौड़ जो है सुभाष नगर कुर्सी पार के सुभाष नगर, जो कि नेताजी के नाम से ही वहां नगर बना है, परंतु वहां पे अभी तक कोई भी नेताजी की मूर्ति स्थापित नहीं है। वही वहां से प्रारंभ होने के उपरांत जो कि प्रियदर्शनी नगर नेताजी उद्यान में समापन होगा और उस नेताजी उद्यान में की जो अव्यवस्था फैला हुआ है उसको लेकर आज छत्तीसगढ़ बंगाली मित्र समाज के सदस्य एवं कई सामाजिक संस्था के सदस्यों के द्वारा वहां सफाई का कार्य प्रारंभ किया गया, जिसमें कई अव्यवस्था फैली हुई है, जिसको लेकर उसकी जानकारी निगम के उद्यान अधिकारी राजपूत जी को भी बताया गया है। और जिस प्रकार की अव्यवस्था फैला हुआ है उस पर तत्काल अगर ध्यान देने की भी आवश्यकता है और कुछ ऐसे भी असामाजिक चीज़ें देखने को मिला है जो कि उस उद्यान का देख रेख का अभाव देखने को मिल रहा है, उसको लेकर आज हम लोगों ने सुबह प्रातःकाल सो कोई सफाई व्यवस्था प्रारंभ किया है और नेताजी की जो जयंती धूमधाम से मनाया जाएगा इसी उद्यान में समापन भी होगा। बहरहाल इस अवसर पर समाज के सदस्य काफी संख्या में उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।